أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين सूरह यासीन आप सबको याद है? किस किस को याद है? याद है? चले, वो याद तो मुझे भी है, लेकिन फ्लो में बंदा पूरी पढ़ लेता है, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी पढ़नी होती है तो भूलने लग जाता है, इश्यू होता है। तो अगर मैं अटकूं भूलूं तो आपने फरीद भाई की तरह मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। अल्लाह ताला सूरह यासीन में एक बस्ती का वाक्या बयान फरमा रहा है, और तफासीर में अगर आप मुख्तसरन नज़र डालें तो आपको कोई इस तरह का रेफरेंस नहीं मिलेगा कि ये किस बस्ती की बात हो रही है। जैसे कौम लूत का अगर वाक़या है तो पता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है तो उसमें भी पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ और उस उन इलाक़ों में दावत फैला रहे थे, बाद में मशरिक़ वस्ता से फिर हिजाज़ की तरफ आए थे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको पता है कि फ़लस्तीन और नवाह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी। जिस जो जो भी वाक़यात हैं ज़्यादातर के बारे में तफसीलात मालूम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मिस्र से बनी इसराइल को लेकर निकले थे वहाँ पर उसी इलाके में पेश आया। लेकिन ये जो वाक़या सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है इसका हो सकता है कहीं मौजूद हो, लेकिन जो सरसरी मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक जो नज़र डाली है मुझे ये नहीं मिला कि ये किस बस्ती का वाक़या है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को एक बस्ती की मिसाल दें। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जा अहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा हमने उस बस्ती की तरफ रसूल नबी नहीं हमने उस बस्ती की तरफ मल्टीपल रसूल या नबी भेजे, मल्टीपल इसलाह करने वाले भेजे। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन और वो मल्टीपल कितने थे? दो थे। कितने थे? दो थे। और एक ही बस्ती में एक वक्त में एक से ज़्यादा नबी या रसूल भेजना कुरान से साबित है, अल्लाह ताला ऐसे करता रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि हज़रत हारून को भी मेरे भाई को भी मेरे साथ शामिल कर दे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून को भी नबी बना दिया, तो दो नबी बनी इसराइल के पास एक ही वक्त में आ गए। तो ये जो बस्ती थी इधर अल्लाह ताला कह रहा है कि इद अरसलना इलैहि मुस्नैनि जब हमने दो भेजे फ़कज़्ज़बूहुमा तो बस्ती वाले मान ही नहीं रहे थे, बस्ती वालों ने क्या किया? दोनों को झुटला दिया। फ़कज़्ज़बूहुमा दोनों को झुटला दिया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं की। अल्लाह ताला ने इस बस्ती का इतना लिहाज किया इतना लिहाज किया इतना लिहाज किया कि हमने तीसरा रसूल भी भेज दिया वहाँ पे। आगे क्या है? फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून तो अब ये तीनों ने उनसे कहा कि हम बेशक बेशक हम अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आए हैं, अल्लाह की तरफ से तुम्हें हक बात बता रहे हैं। अब मैं से कोई स्मार्टफोन से इस पर इसका तर्जुमा भी निकाल लें ताकि उसमें भी अगर कोई गलती हो तो आप करेक्ट कर दें। तो उन्होंने क्या कहा
फ़कौलू इन्ना इलैकुम मुरसलून, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं तुम्हारी इस्लाह करने के लिए, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं। कौलू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना वमा अनज़ला रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारी तरह के आम से इंसान हो, तुम्हारे अंदर क्या ख़ास बात है, तुम्हारी भी वही दो आँखें, वही नाक, वैसे ही चलते हो, वैसे ही खाते हो, वैसे ही सब कुछ करते हो, तुम तो बशरुम मिसलुना हमारी तरह के इंसान हो। मा अनज़ला रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। बस्ती वालों ने कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया, तुम झूठ कह रहे हो। बस्ती वालों ने आगे से उनको फिर झूठा करार दिया। कौलू, फिर उन्होंने क्या कहा, कौलू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। पहले अल्लाह ने क्या बताया, इन्ना इलैकुम मुरसलून। पहले उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बात बता रहे हैं। अब उन्होंने और ज़ोर दिया, इन्ना इलैकुम लमुरसलून। लामुरसलून नहीं है, लमुरसलून। जब ला लग जाता है ना लाम ज़बर किसी वर्ड से पहले, तो वो ज़रूर बिज़रूर बिज़रूर इंतहाई फोर्स का ये वर्ड होता है। इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हम ज़रूर बिज़रूर बिज़रूर कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से बात तुम्हें बता रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तुम्हें फोर्स करना नहीं है, तुम्हें घसीट घसीट कर लाना नहीं है, तुम्हें ज़बरदस्ती भर्ती करना, मेंबर बनाना नहीं है। हमारा काम क्या है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो बात अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है साफ साफ तुम्हें बता दें। कौलू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहु लनर्जुमन्नकुम वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। बस्ती वालों ने कहा कि तुम मनहूस हो। किसको कह रहे हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूलों को या नबियों को, तीन को, एक को नहीं, दो को नहीं, कितनों को, तीन को एक ही वक्त में भेजे अल्लाह ताला ने। उनको क्या कहा, तुम लोग मनहूस हो। लइन लम तंतहु लनर्जुमन्नकुम, बाज नहीं आते तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, तो इन्होंने भी आगे से जोर दिया, व यमस्सन्ना नहीं कहा, वला यमस्सन्ना, ज़रूर हम तुम्हें बहुत सख्त मजा चखाएंगे। ये बस्ती वाले रसूलों को बहुत सख्त अल्फाज में बदमाशी कर रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, दर्द दर्द देने वाला अजाब अल्लाह ऐसे, ये तो अल्लाह की शान है ना, अल्लाह ऐसे कहे। बस्ती वाले रसूलों को उल्टी उल्टा आगे से कह रहे। अब रसूलों ने क्या कहा, कौलू ताइरुकुम माअकुम इन ज़ुक्किरतुम, तुम्हारी नौसत तो तुम्हारी वजह से है, तुम खुद मनूस हो। अब बस्तियों ने रसूलों ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, कौलू ताइरुकुम माअकुम इन ज़ुक्किर तुम, अगर तुम्हें पता हो तो। असल बात यह है कि तुम खुद मनहूस हो, तुम्हारी नौसत तुम्हारी वजह से। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि हकीकत तो यह है कि तुम तो हद से ही गुजर गए हो। आगे क्या है, वजा अमिन अक्सल मदीनती रजुलु यसा قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون। तो फिर दूसरी तरफ से बस्ती के दूसरे किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ आया, उसने आकर कहा कि या कौम इत्तबिउ अल-मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। ये सही कह रहे हैं, ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से हैं। मन ला यसअलुकुम अजरन, ये तुमसे चंदा नहीं मांग रहे, ये तुमसे दौलत नहीं मांग रहे, ये तुमसे सरदारी नहीं मांग रहे, ये तुमसे कोठियाँ गाड़ियाँ पैसा नहीं मांग रहे, ये तुमसे शोहरत और वाहवा भी नहीं मांग रहे, ये तुम्हें ये भी नहीं कहते हमें मौलाना अल्लामा हज़रत कहो। मल ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, ये सही कह रहे हैं, 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 वहुम मुहतदून। आगे वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, मुझे क्या है, मैं तो इनको फॉलो करूँगा। वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन, मैं तो अल्लाह को ज़रूर अल्लाह की इबादत करूँगा जिसकी तरफ ये बुला रहे हैं, और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। आगे
اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद रखोगे, किसी और को अपना पेशवा समझोगे, किसी और को अपना माबूद समझोगे, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते. आलिहतन युरिदन रहमान बिज़ुर्रिल्लाह तुग्नि अन्नी शफ़ातुहुम शैय्यन वला युनक़िज़ून इन्नी ज़ल्ल फ़ी ज़लालिम मुबीन. जो कोई ऐसा करे, अगर मैं ऐसा करूँ तो बहुत बड़ी गुमराही में होगा. इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, तो मैं अपने रब के ऊपर ईमान लाता हूँ. फ़स्मऊन का क्या मतलब लिखा हुआ है? हाँ, फ़स्मऊन, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी बात मान लो, ये हदायत याफ्ता हैं, ये सही कह रहे हैं, मैं भी अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, तो सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ. क़ील अदखुलिल जन्नत क़ाला या लैता क़ौमी यालमून. अल्लाह ने उसको कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, और उसने कहा कि काश मेरी कौम को पता होता. बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, के मेरे रब ने देखो मुझे माफ़ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में से कर दिया. अमान जलना अला कौमी मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुंजिलीन. उसके बाद हमने उस कौम की तरफ कोई लश्कर नहीं भेजा. मिन जुंदिम मिनस समाई, अब ये नहीं कहा जा रहा कि वो रसूल नहीं भेजे. जुंद क्या होता है? लश्कर, ग्रोह, फौज. ये क्या कह रहा है अल्लाह ताला? ये दोबारा पढ़ें पिछली आयत. वमा अनजलना आला कौमी ही, उस कौम के ऊपर हमने कोई लश्कर नहीं, फिर लश्कर भेज के चढ़ाई नहीं की. मिन बादी ही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुंजलीन, ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी. इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़ाइज़ा हुम खामिदून. अब ये एक धाड़ थी और एक चीख थी. फैजाम हामिदून का क्या मतलब लिखा हुआ है? इस आयत का पढ़ें. इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़ाइज़ा हुम खामिदून. इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़ाइज़ा हुम खामिदून. अब क्या था कि अल्लाह ताला को कोई लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं थी. पूरा वाक्या समझ आया आपको? कि पहले अल्लाह ताला ने दो भेजे रसूल, उन्होंने झुटला दिया, फिर अल्लाह ताला ने तीसरा भी भेजा, उन्होंने उसको भी झुटला दिया, बल्कि कहा तुम तीनों मनहूस हो. तो रसूलों को भी ये मौका आया, एकदम नहीं कहा होगा रसूलों ने, कि वो भी फिर उन्होंने भी गिव अप कर दिया उस बस्ती वालों की नाफरमानी की वजह से. उन्होंने क्या कहा कि तुम खुद मनहूस हो. जब ऐसा हुआ फिर भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया कि उन्हीं लोगों में से वो रसूल नहीं था, चौथा भी एक बंदा, उसने फिर कहा कि ये बाकी हदायत पे इनकी बात मान लो, फिर भी उन्होंने नहीं सुना. तो अब अल्लाह ताला कह रहा है मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि इंडिया से हमला करवा देता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि अमेरिका से बम गिरवा देता. अल्लाह ताला कह रहा है इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़ाइज़ा हुम खामिदून. एक चीख थी, एक धाड़ थी, और मैंने सबको मिटा कर, भुजा कर, भस्म करके रख. या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन. हाय हसरत, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है हसरत करने की. या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन. होता ही नहीं है ऐसे. अल्लाह कह रहे कितनी हसरत की बात है. अल्लाह के लिए हसरत की बात नहीं है, इनके लिए खुद हसरत की बात है, इंसानों के लिए खुद हसरत की बात है. मा यातीहिम मिर रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन. जब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाह करने वाला आता है, होता ही नहीं है कि ये उसका मजाक ना उड़ाएं, होता ही नहीं है ये उसका मजाक ना उड़ाएं. फिर अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमा रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक. ऐ इंसानों, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें किसने अपने रब से दूर कर दिया है?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کو کہتے تھے کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی کم ہنسو اور بہت رو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اتنا غم نہ کریں یا جو بھی معاملات سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ میں اپنا غم دکھ اللہ سے ہی بیان کرتا ہوں, واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو میں کیسے تمہیں بتاؤں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش میں کرتا ہوں کہ الفاظ کے پیرائے میں ان کو لانے کی کوشش کروں. اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو زیادہ سوالوں کے جواب تو شاید میں نہ دے سکوں, لیکن اس جو اب میں بات کرنے لگا ہوں, لیکن بہرحال کوشش میں کرتا ہوں کہ جو بات ہے وہ بتاؤں آپ کو. کہ بنتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی منتیں کرے, بنتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو سمجھائے, اتنے لوگوں کے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں اور انہیں بتائیں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے. نہیں بنتا, کافی ہونا چاہیے وما علینا الا البلاغ, یہ کافی ہونا چاہیے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ کافی ہونا چاہیے. یہ نہیں بنتا تھا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنی دفعہ دعوت دینے گئے تھے حبشہ میں؟ ایک دفعہ بھی نہیں. کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے بادشاہ کے پاس گئے تھے کہ ایمان لے آؤ؟ ایک دفعہ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ تشریف لے کر گئے تھے روم کے بادشاہ کے پاس کہ ایمان لے آؤ اللہ پر؟ ایک دفعہ بھی نہیں. کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے ہندوستان کے راجاؤں اور سرداروں کے پاس؟ ایک دفعہ بھی نہیں. ورفعنا لك ذکرک, اللہ نے ان کی شان بلند کی. ان کی شان ایسی ہے, ان کی شان ایسی ہے کہ وہ جب مسجد اقصیٰ میں لے جائے گئے تو انبیاء کو آسمان سے اتارا گیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. رسول کی شان نہیں تھی کہ وہ بادشاہوں کے پاس اور سرداروں کے پاس اور لوگوں کے پاس جائے. ہاں طائف کی بستی والوں کے پاس گئے تھے, وہ قریب میں ہی تھی, زیادہ دور نہیں تھی. عام لوگوں کے پاس, کچھ کے پاس گئے تھے وہ بھی, ورنہ رسول کی شان ایسی تھی پوری زمین کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کے پاس لایا گیا مشرکین کو بھی, کفار کو بھی, اور پھر جو ایمان لاتے رہے ان صحابہ کو بھی. رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگا دیا ہے کہ جائیں محمد قاسم کے حق میں گواہیاں دیں. پوری دنیا میں تشریف لے کر جا رہے ہیں, یہ رسول کی شان نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ کا کام نہیں بنتا کہ وہ منتیں کریں میری اور تمہاری. رسول کا کام نہیں بنتا کہ وہ جا کے گواہیاں دیں. میرا اور تمہارا کام بنتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے, اللہ کا پیغام آ جائے, رسول کا حکم آ جائے, میں اور تم گھسٹتے ہوئے پہنچیں. لیکن آج تو حد ہو گئی, آج تو حد ہو گئی ہے. رسول جاتے رہے آتے رہے, آج اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بنتا نہیں تھا تمہارے پاس آنا. آج کی بات سن لیں کہ میرا بنتا نہیں تھا آج تمہارے پاس آنا, لیکن میں خود آیا ہوں. اور اب میں آ ہی گیا ہوں تو تم لوگوں کو یہ بتا دوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مفہوم میں بتا رہا ہوں, میں بھیج رہا ہوں ساری دنیا میں کہ وہ گواہیاں دیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے. اور قیامت کے قریب خواب کم ہی, قیامت کے قریب زیادہ تر خواب سچے ہوں گے, اور قیامت کے قریب بہت لوگوں کو خواب آئیں گے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اللہ کی بات پہلے ہی بتا دی تھی. اب اللہ رسول کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنتا تو نہیں تھا میں آؤں,
लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें ये बता दूँ। और जो आज अल्लाह ने कहर दिखाया है ना, जो आज अल्लाह ने अपनी शान दिखाई है, वो बयान से बाहर है। अल्फाज कैसे मैं बताऊँ आपको कि शायद ही कभी किसी को आपने इस कदर गुस्से में देखा हो जिस शान में आज अल्लाह ने खुद को दिखाया है। और वो चीख चीख के कह रहा है कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे ऊपर अजाब आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अजाब आने वाला है, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे। वत्तकु फितनतन ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमु मिनकुम खासा। और जाते जाते फिर उसने दिखाया कि अजाब आना शुरू हो गया, मोहलत ख़त्म हो गई। और वो अजाब शुरू किससे हुआ? उनसे नहीं कि जिन्होंने खुलम खुला कुफर किया है, तकब्बुर किया है, खुलम खुला फतवे दिए हैं, खुलम खुला मजाक उड़ाया है, उनसे नहीं शुरू हुआ। उनसे भी नहीं शुरू हुआ कि जो खामोश हैं इस मामले में, उनसे भी नहीं शुरू हुआ जो इनका साथ दे रहे हैं खुलम खुला मुखालफत करने वालों पे, उनसे भी नहीं शुरू हुआ जो खामोश हैं और न्यूट्रल हैं। किस से शुरू हुआ? अगर मैं बताऊं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि वत्तकु फितनतन ला तुसीबन अल्लज़ीना ज़लमु मिनकुम खासा। अल्लाह का कहर इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो मासूमों से शुरू हुआ, वो जालिमों की औलादों से शुरू हुआ। और वो वक्त आ गया है, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ पाकिस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ सऊदी अरब वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ अमेरिका वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ यूरोप वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे इराक वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे यमन वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे इस्लामाबाद वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे लाहौर वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे कराची वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कराची, कश्मीर, गिलगित वालों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह का कहर इस नहज पे पहुंच चुका है और मोहलत ख़त्म हो चुकी है। वमा अलैना इल्लल बलाहुल मुबीन। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, नए अबले मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबीही व अली बैतिही अजमाईन।